मैं हूं पंकज पटेल, ब्राइट फॉर सॉल्यूशन से। आपको आज डेयरी का जो सॉफ्टवेयर है, गुजरात में चल रहा है जुए जो सॉफ्टवेयर, उसके बारे में आपको सेटअप के बारे में बता रहा हूं। तो आपको सेटअप कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। जो आपको ये सेटअप हमारे ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी लिंक दी रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये डेयरी विन पैकेज करके जो ये फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखा है, तो वहां से आपको सेटअप करना है। तो मैं पहले ये उसको ओपन कर रहा हूँ, तो आइए देखते हैं उसको सेटअप कैसे करना है। यहाँ पे सेटअप ईएक्सई लिखा हुआ है, वहां पे आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ये VB6 में डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट है, तो उसको आपको सेटअप कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आगे ये सेटअप अपने आप चलने वाला है। जैसे ये सेटअप मैं आगे जो जो क्वेरी रहती है वो आपको गाइड कर रहा हूं, तो आपको आसानी रहेगी। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रोसेस में, तो जो चल रहा है प्रोसेस। ये मिल्क कलेक्शन, रूलर में मिल्क कलेक्शन के लिए ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, और गुजरात में बहुत सारी जगह पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। और ये कंप्यूटर में आपको विंडोज 7 है, XP है या विंडोज 10 है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। तो शायद अभी चल रहा है, कुछ प्रोसेस चल रहा है, और मैंने भी ये कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में चला के रखी है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये जो उसका जो सेटअप है और जो उसका डेटाबेस है, वो दोनों फाइल में गूगल ड्राइव पे लोड करके आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये सॉफ्टवेयर का सेटअप खत्म हो जाएगा, तो आपको फ्यू टाइम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो उसका डेटाबेस है, तो डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करके आपको डी ड्राइव में रखना है, और उसमें से जो भी ईएक्सई रहती है, ईएक्सई का आपको शॉर्टकट निकालना है और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हमको कॉल करना पड़ेगा, आप कॉल करेंगे तो हम आपको पूरा गाइड करके ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये सेटअप कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ये अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये अभी कुछ हमारे बैकग्राउंड में प्रोसेस भी चल रही है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। मैं वीडियो यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये खत्म होते ही मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ फाइल ओवरराइट करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको यस करना है, यस यस करना है, और वरना यहाँ से नो टू ऑल कर देंगे तो भी चलेगा। ये आपको प्रोसेस अभी फिनिश होने वाली है। यह अभी हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गया, तो आइए देखते हैं अभी उसको कैसे, वो उसका डेटाबेस कैसे मेंशन करना है और उसको डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बता रहा हूँ। ओके करना है, देन यहाँ पे ये पूरा हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो अभी हमने जो डेस्कटॉप पे ये जो रखा था फोल्डर, वहाँ से उसका डेटा, ये रहा हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ये मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया, और यहाँ पे ये जो फोल्डर है उसको रीनेम करके डेयरी विन नेम लिख देना है, डेयरी विन DARY_WIN। उसके बाद यहाँ से कट लगा के आपको ले जाना है ये डी ड्राइव में, आपका जो भी डी ड्राइव रहता है डी ड्राइव में ओपन उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद ये उसका ईएक्सई रहता है, जो आपका जो भी ईएक्सई चलाना है उसके हिसाब से आप ऑपरेट कर सकते हो। आपके पास जो भी ईएक्सई ये सॉफ्टवेयर की पुरानी है वो भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से राइट क्लिक करके सेंड टू क्रिएट शॉर्टकट डेस्कटॉप, यहाँ पे ये शॉर्टकट आ गया। अभी यहाँ से आप ओपन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, लेकिन
आपको यहाँ पे ऐसा स्क्रीन आएगा, ये पूरा जो फॉन्ट आपने इंस्टॉल नहीं किया है इसके हिसाब से ये स्क्रीन आ रहा है। तो पहले आपको फॉन्ट रन करना पड़ेगा, तो यहाँ रन में जाके फॉन्ट्स लिख दीजिए, यहाँ पे ओपन कर दीजिए, या तो विंडोज 7 में भी आप फॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद VDG उसका जो फॉन्ट है, VDG करके उसका फॉन्ट है, तो वो आपका ये सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर है उसमें भी मिलेगा आपको। ये डी ड्राइव में हमने डाला है, वहाँ से डेरिविन का जो फोल्डर डाला था, ये रहा डेरिविन, उसमें भी सपोर्ट में आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, उसमें VDG करके उसका फॉन्ट है। ठीक है, ये किरण घनश्याम है और ऐसा ही VDG करके है, जो अभी फिलहाल ये फोल्डर में नहीं है तो मैं और जगह से डाल देता हूँ। VDG करके उसका फोल्डर में फॉन्ट रहता है, उसको इंस्टॉल करना रहता है। बस ऐसा ही करने के बाद आपको ये EXE रन करना है। EXE रन करेंगे तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर बताएगा कि आपको अभी कॉल करके बताना है, ये नंबर जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर सामने से आपको मिलेगा, उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल, थैंक यू।